ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी का वचन है, संगत वड्डे भागां नाल मिलदी, एक ध्यान रखना है। संगत विच जदों जाना होमे का जोड़ा बार ला के आना तो निम्रता की पग बन गया। शहीदां जाओ, दरबार साहब जाओ, लुधियाने आयो, दुख निवारक साहब जाओ, मॉडल टाउन एक्सटेंशन गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह जी दे जाओ। मजबूरी होवे वखरी गल है, पर कोशिश करो जदों जाओ अद्धा पौना घंटा घंटा कढ के जाओ, उत्थे चौंकड़ा मार के रस भी लैणा। मैं नहीं कहिंदा इंज करो, दरबार साहब बैठे हो गुरु रामदास के घर, कन कीर्तन सुन रहे है, अंदर रस चल रहा है वाहिगुरु शब्द का। एक जथा उठ गया, दूजा बह गया, थोड़ा दिल ही नहीं करता, रस ले रहे हो, दूजा भी उठ गया, तीजा बह गया, तीजा जथा भी उठ गया, हो गए तीन सवा तीन साढ़े तीन घंटे तुहाडे बैठे। पर महापुरशां दा वचन है भी हुण जदों बाहर आना है पैर धोण वाली जगह तो बाद जिथों जा रही है संगत उत्थे उंगलां ला के यही कहना है। गुरु रामदास जी बाबा नंद सिंह का वचन है, सजा कसूर तो बिना नहीं मिलती, कसूर भावे पिछले जन्म का होवे। आखो सतनाम। गुरु रामदास जी आ फलानियां चीजा तंग कर रही है, कसूर मेरे, पाप मेरे, कर्म मेरे, पर इथों तेरिया संगतां लंघ के गई हैं, मैं इथों की धूड़ी मत्थे नूं लाउण लगा, इथों दियां संगतां दियां लंघ के गई जगह की धूड़ी दे नाल महाराज मेरे वो कसूर वाले बंदे लेख मिटा दे। निम्रता की पग, मेरा सिख तीन जथे उठ गए, तीन साढ़े तीन घंटे अंदर रस लैके आया है, पर एदा मन इन्ना नहीं है, एडा चौंकड़ा मारन तो बाद भी संगत की धूड़ी नूं अपने चौंकड़े तो ही वड्डा गिणदा। आखो सतनाम। आ है निम्रता की पग। ज्ञानी संत सिंह मस्कीन कहते भी मैं एक बारी तखत श्री हरिमंदर जी पटना साहब बैठा, कहते मैं रहराज साहब कर रहा, एक बुजुर्ग जमीन ते कोई लभी जावे, अंदर लभी जावे, कहते मैनू तरस बड़ा आ रहा, कि रहराज साहब छड्डा इहदी मदद करा, बेचारे दे कोई डिग पिया, कोई गुआच गया, कोई डिग पिया। वो कहिंदे मैं पूरी करके अरदास करके फिर बजुर्ग दे कोल चला गया। ज्ञानी संत सिंह जी मस्कीन जी कहिंदे बजुर्गो तुहाडी निगाह घट है, कोई मजबूरी है, सेहत नाल अखां कमजोर हो जांदियां समय नाल उमर नाल, मैनूं लगदा भी कोई गुआचा है तुहाडा, मैं थोड़ी मदद करा। ज्ञानी सांस मसीह कहते बुजुर्ग कहता काका तू पाठ कर अपना, काका तू पाठ कर अपना, मेरा कुछ गुआचा नहीं, मैं पिछली वारी 1000 रुपया सेवा दे गया सी मैनेजर नूं, वो कहता सी संगमरमर ते तेरा नाम लिखावांगे। आखो सत। ज्ञानी जी कहते ना भी गुरु रामदास जी कई ने अपने नाम लिखा लिखा के तुहाडा सोहना चिट्टा दर भी काला कर दिया। ये निम्रता की पग नहीं,
ਇਹ ਹੋਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਂਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਛੋਟੀ ਸੀ ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਵਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਮੇ ਦੀ ਪਰਵਲੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲੱਭਦੇ ਆਖੋ ਸਾਧਾ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਪੱਗ ਬੰਨੀਏ ਸਿਰੇ ਤੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਪਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜੀ ਪੂਰੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਮਸਤਕ ਨੂੰ ਲਾਈਏ ਮੇਰੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਇਹ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਹੈ।